हुण से जी भाई आज 2 साल में हुण से छी ना हां वही तो थोड़ा होनो तो बढ़िया आ जाए ते तो अब बंद हो तो बाप बंद होगा प्रोग्राम ने होने खाली मेरे ये लगा ये लगा खाली स्टॉल लगा लिया हां जिसके गले में खराशा खा के जाओ विटामिन सी ठहरा पूरा का पूरा हां जो जो आपको बेनिफिट आप बुखार हो रहा है खा के जाओ नहीं होगा तो कल बाकी मैं फ्री की दवाई खिलाऊंगी आपको। काफी फर्क पड़ा हुआ साहब, अभी एकदम कस्टमर जो है डर डर के आ रहा है। हम तो मतलब इस बार काफी माल भी काफी ठीक ठाक लाए थे, पहले पता लगता तो हम अपने उस हिसाब से तैयारी करते। काले कौवा काले घुगती बड़ा खाले। अक्सर बचपन में उन दिनों की याद आती है जब हम घुगती का त्यौहार मनाने अलग अलग जगह जाया करते थे, और उनमें से एक प्रमुख जगह है उत्तरायणी का ये मंच जिसे हीरानगर कहते हैं, उत्थान मंच कहते हैं। पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड भर में घुगुतिया का त्यौहार जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और साथ ही प्रसिद्ध है उत्तरायणी का ये त्यौहार जो हीरानगर उत्थान मंच में मनाया जाता है। कलाकारों में एक निराशा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अब किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे जो कि कोविड की नई गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन सही बात यह है, पॉजिटिव बात यह है यहाँ पर स्टॉल्स जो लगे हुए हैं वो लगातार सुचारू हो रहे हैं, केवल जो पब्लिक गैदरिंग है वो बंद की गई है। फिलहाल उत्तराखंड में चुनाव है, आपको मालूम है आचार संहिता लगी हुई है जिस कारण सभी प्रकार की रैलियाँ जो है स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन इस त्यौहार को उत्तराखंड भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, घुगते की माला बनाई जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह से लोग मौजूद हैं मैं उनसे आपको मिलवाऊँगा। यहाँ पर उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध चित्रकार जगदीश पांडे जी की कुछ चित्रकलाएँ लगी हुई हैं जहाँ पर आप प्रदर्शित यहाँ पर की गई हैं उनके द्वारा, और आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की पेंटिंग हैं जो कि उन्होंने हाथों से अपने रंगी हैं। और ये जब साहित्य की संस्कृति की बात आती है तो उत्तराखंड का नाम सबसे आगे आता है क्योंकि उत्तराखंड विविधता का प्रदेश है, जहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर हिल क्रॉप्स क्या नाम है, योगेश जी, कहाँ पर आपका ये सेंटर है, कैसे बनाते हैं, कैसे सर? ये मैं हल्द्वानी बेस्ड हूँ। अच्छा। और मेरे संग पहाड़ के 3000 किसान जुड़े हुए हैं। क्या बात, कमाल है। और ये सभी हमारे किसानों की फोटो वगैरह लगी हुई हैं। अच्छा। और हम लोग हिल क्रॉप्स करके हैं तो हम लोग क्वालिटी में बहुत बिलीव करते हैं। जैसे हमारी दाल रहेगी बिल्कुल एक दाना साफ रहेगा उसका, ये हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है। ये भट है, भट जानते हैं, पहाड़ी भट जानते हैं आप लोग। और ये तूर दाल है, और ये है पहाड़ की हल्दी। ऑर्गेनिक है पूरा पहाड़ की, और मैं ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट्स हैं। हाँ। ये हल्दी वगैरह है बिल्कुल प्योर वाली। अच्छा। हम लोग क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कहाँ पर है आपका प्रतिष्ठान? मेरा ये बिल्डर स्कूल के पास में, ओम कॉम्प्लेक्स में। ये रोजमेरी थाइम वाइम है मपा, और यहाँ से हम लोग पहाड़ की चीज़ में क्वालिटी, और हम इसको बाहर लखनऊ दिल्ली वहाँ की मार्केट देख रहे हैं इसके लिए। मेले का दूसरा दिन है आज, ही पहला ही दिन है, कल शुरू नहीं हुआ पाया था ये। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा रिस्पॉन्स है अभी तो खैर अभी कोई खास नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा रहेगा करके। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है कि उम्मीद पे ही हम कायम हैं, उम्मीद से ही हम चलते हैं। यहाँ पर हमारे जो है कुछ उत्पाद बनाए हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि जी। क्या क्या उत्पाद आप लेके आए? हम मडवे पर फोकस कर रहे हैं, मडवे की चीज़ों पर जी। क्या बात, क्या बात है? ये हम लोग ने जो मडवा है उससे जो उत्पाद बने हैं उनको लेके आए। ये है मडवे की पीनट वाली हमने बनाई है जी, नमकीन मडवे की। क्या बात है। और ये पापड़ी है, मडवे की पापड़ी जी, मडवे की पापड़ी यहाँ पर है। ये भुजिया बनाई है। क्या बात है, क्या बात है। आप कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। लखनऊ के रहने? हाँ, नहीं मगर हमारा रानीबाग में। रानीबाग में। हाँ जी। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मडवे जो है एक अस्तित्व पे आया है, तो यहाँ पर ये हमारे एक मित्र भी हैं, जानकार भी हैं, इनका एक स्टॉल लगा हुआ है। यमुना, यमुना कैसे चल रही है आजकल सेल आउट? अभी तो थोड़ा बहुत ही चल रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे लोग आ रहे हैं अभी बहुत कम ही आ रहे हैं, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं तो इसलिए अभी कम ही आ रहे हैं, तो ठीक ठाक ही चला इतना बहुत। कल से तो थोड़ा आज ठीक है हो रहा है। हाँ, कल तो बहुत बारिश भी थी और वैसा भी था, तो लगता है अभी कोविड की कोई गाइडलाइन आई उसके बाद थोड़ा चेंजेज आए हैं तो। हाँ, कल तो बिल्कुल लोग ही नहीं दिख रहे थे, आज कम से कम दिख तो रहे हैं। कल से मतलब गाइडलाइन आके थोड़ा ठीक हो रखा है। एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है कि आने वाला कल बेहतर होगा, जो समय है वो बेहतर होगा।
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसा कि हमारा देश पिछले 3 सालों से कोविड को झेल रहा है, कोविड महामारी से कहीं ना कहीं त्रस्त हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान भी है आदमी। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम भूप सिंह है भाई साहब। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? हम चंपावत के। अच्छा, चंपावत से यहाँ स्टॉल लेके आए जी। तो अभी कोविड की गाइडलाइन के बाद कुछ फर्क पड़ा है काम? काफ़ी फर्क पड़ा भाई साहब, अभी एकदम कस्टमर जो है डर डर के आ रहा है। हमें तो मतलब इस बार काफ़ी माल भी काफ़ी ठीक ठाक लाए थे, पहले पता लगता तो हम अपने उस हिसाब से तैयारी करते, इस बार देखो लोग आते हैं तो फर्क तो पड़ा। नुकसान तो काफ़ी हुआ है। अब नुकसान में अब हम तो 10 दिन के मेले के हिसाब से आए, कोविड गाइडलाइन होगी, लोग डर के मारे आ नहीं रहे हैं, है ना, वो भी अब क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं जी। बस एक रहना है, बिजनेस भी करना है, अपने सेहत का भी ध्यान रखना है, लोगों को भी बचाना है, यही कह सकते हैं हम, क्या करें। ठीक है, देखिए ये जो हमारे पहाड़ है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बड़ा बनते हैं। बहुत कोशिशों के बाद एक पहाड़ पे बैठा हुआ किसान यहाँ आता है, उसके मन पे कुछ आशाएं होती है, कुछ उम्मीद होती है कि वह कुछ उत्पाद अपने बेचेगा, साल भर की जो मेहनत है उसे लोगों को दिखाएगा। लेकिन ये समय है और समय बलवान होता है, और ये जो समय बलवान है ये किसानों के लिए अभिशाप बन के सामने आया है, व्यापारियों के लिए अभिशाप बन के आया है। यहाँ पर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही हैं, लेकिन परेशानियाँ लगातार सामने आ रही हैं। ये है हमारे पहाड़ की शान नींबू। क्या नाम है आपका? मीना कर्नाटक। मीना कर्नाटक जी कहाँ से आए हुए हैं? कुसुमखेड़ा से। जी जी, तो अभी आप नींबू जो है बना रहे हैं? हाँ जी। तो क्या क्या इसमें क्या क्या बेनिफिट है इस नींबू को खाने के, क्या क्या पौष्टिकता इसमें होती है? इस गर्म हुई ताश की ठंड हो रही तो जुकाम बुखार, हाँ, जिसके गले में खराश है खा के जाओ, विटामिन सी ठहरा पूरा का पूरा। क्या बात है, हाँ, जो जो आपको बेनिफिट, आप बुखार हो रहा है खा के जाओ, नहीं होगा तो कल बाकी मैं फ्री की दवाई खिलाऊंगी आपको। क्या बात है, ये बात है। तो ये पहाड़ का नींबू है, जो जानकार है उनको बता दें, उनके लिए तो अच्छा है, जो नहीं जानते उनको बताऊं कि नींबू पहाड़ का एक फल जिसे काट कर उससे भांग का नमक मिलाकर ऐसे एक उत्पाद बनाया जाता है जो कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आंटी दावे के साथ कह रही है कि भैया तुम्हें अगर बुखार है तो इसे खा के तुम ठीक हो जाओगे। तो ये हमारा पहाड़ है, ये हमारा उत्तराखंड है, और उत्तराखंड पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि अलग अलग तरह के स्टॉल लगे हैं, चीज़ें लगे हैं। थोड़ा सा वीरान जरूर है हमारा आज का ये उत्तरायणी का मेला, कारण सिर्फ इतना है कि कोविड की नई गाइडलाइन जो व्यापारियों पर एक मुसीबत बन के सामने आई है, झूला झूल रहा है लेकिन खाली है, नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन उस नुकसान से आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं, उत्पाद की बात करते हैं। तो मेले में घूमने बच्चे आए हुए हैं और यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आनंद ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक निराशा जरूर है, क्योंकि ये जो सामने मंच है ये वो मंच है जहाँ पर पहाड़ी कलाकार आया करते थे, जहाँ पर रंगमंच हुआ करता था, जहाँ पर गीत हुआ करते थे, जहाँ पर संगीत हुआ करता था। और हमारे पहाड़ों पे कहते हैं कि यही एक असली कमाई होती है एक कलाकार के लिए कि वो इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करता है, और कहीं ना कहीं उनका जो एक आय व्यय है, जो उनकी एक इनकम है, वो इससे बहुत ही ज़्यादा चलती है, क्योंकि उत्तरायणी एक बड़ा पर्व है। यहाँ पर हर तरह के कलाकार मौजूद होते थे, लेकिन यहाँ पर अभी ये जो समय है बहुत कठिन है, सुनसान समय है, लेकिन चलो आने वाला कल अच्छा होगा, बेहतर होगा, इसी आशा इसी उम्मीद के साथ आओ। थोड़ा मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं मैं उनसे बात करता हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपको मंच की तरफ लिए चलता हूँ, उस मंच की तरफ जहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम चाहे ना हो रहे हों, लेकिन जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो हमारे लोकल का उत्पाद है, उनका आप आनंद लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ अमा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं जानता हूँ। अमा कपटी आर्चा हीरानगर का छा। अच्छा, हीरानगर का छा। तो आज तो प्रोग्राम नहीं होने पर या पहली बड़ी प्रोग्राम हो ची आने होना है। कोरोना के गाइडलाइन आ गए तो उनको नहीं कि कोरोना फैलना, तो अब प्रोग्राम न होल खाली हो लगल इले जो स्टॉल छ। हाँ, तो अब ये होगा तो प्रोग्राम की होना तो है दूर दूर में क्यों ना। हाँ, प्रोग्राम दूर बटी जो कलाकार आर्ची उन है वापस। अरे ये बार नहीं होने आपके हॉल पर वही तो कहे
हुन से जे भाई आज 2 साल में होना होना चाहिए नहीं हां वही तो थोड़ा होना था बढ़िया है जा तो अब बंद होगा तो बाप बंद होगा प्रोग्राम नहीं होने खाली मेल ये लगा ये लगा खाली स्टॉल लगा लिया ये अच्छे अरे बंद है जा ये अच्छे सब लगे ना गायगा सब ने की गायगा आपको कब ट्यून आछे यहां मतलब करो हां आज फर्स्ट बार आज होने नहीं उसके और सालों ऊंचा और सालों ऊंची हां अब जब ये कोरोना हो अब के आए ना ओहो चलो कोई बात नहीं अब सब बढ़िया जल्द फिर अगले साल होला तब तो ना भाई अब जब भगवान की कृपा हल हां नहीं भैया हां अब हजार हजार से जीवा आले ये 2 दिन कर लिन तो क्यों ना एक पूर्ण होना था हां एक दो दिन कर ले लेकिन अब गाइडलाइन आ गए बंद करे ले सब ने की कलाकार तो यो जो हमारा मां लोग बैठ रही तो उनर कौन छे कि प्रोग्राम देखने उन्हें एक आशा थी कि 2 साल बाद प्रोग्राम होनी लेकिन ये बात प्रोग्राम न होने तो थोड़ा सा दुविधा होने मेरे साथ यहाँ संरक्षक साहब मौजूद छन भुवन जोशी जी तो सबसे पहली बहुत बहुत स्वागत आपको पगडंडी में उत्तरायणी महोत्सव चलने लग रहा तो अब महोत्सव तो नहीं कह सकूँ क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ हमारे उनेरवाल सी वो कोविड कारणों की वजह से स्थगित करा लिए हमल लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कार्यक्रम हम सोचने लग रहे हैं कि नानती न लीजिए उन्हें मनोरंजन न लीजिए कि खेलकूद हम जरूर करवे दूनियत के और जो ये 40 साल आ गई है का कार्यक्रम यद के यो उत्तरायणी महोत्सव मनाते हुए हैं तो हमारे मुख्य जो उद्देश्य थी उत्तरायणी महोत्सव करनी वो यही थी कि एक तो जो हमारे संस्कृति छू वो लुप्त होने वाली थी हमारे जो नानतिन चरण हमारे जो भावी पीढ़ी छू वो कहें कह के अंदाज नहीं थी कि हमारे घुकतिया तैयार क्यों हूँ कभी हमारे हरियाव के हूँ कभी हमारे बैठ के होली को हैं कभी हमारे यो चाचरी झोड़ा के हूँ कभी उनके के अंदाज नहीं थी तो हम उनके ये सब कि भाई उनके हम ज़्यादा तो नहीं समझ सकूँ लेकिन कम से कम देखे वो तो ये सीख लाल कि भाई ये हमारे संस्कृति छू कभी तो यही लीजिए यो उत्तरायणी महोत्सव हमारे कार्यक्रम धरो कि हमें मैं शोभा यात्रा निकाल लूँ कि उत्तरायणी हमेशा 14 जनवरी हूँ कभी कभी 15 मोहल्ले हजानी लेकिन अक्सर ही 14 जनवरी हूँ तो हम शोभा यात्रा जो लीजिए 14 जनवरी हमल धर राखी और क्योंकि उत्तरायणी में ऐसे हुए तमाम कार्यक्रम मौसम ले भर लोग जाड़ना मौसम हो लोग घाम तापने लीजिए यानी शनि नीव उल्ले खाना लीजिए ऊनी यहाँ तो तमाम यो लीजिए हमारे उत्तरायणी त्यौहार है जो ये घुकतिया त्यौहार है आप लीजिए एक कार्यक्रम धरो यहाँ कि भाई यो हम मनून तो पूरे संस्कृति समावेश में है जाल कभी तो यो लीजिए हमल यो घुकतिया त्यौहार का ज़्यादा प्रमुखता दी वैसे मैं हरियाल मनून हूँ लेकिन हरियाल में हमारे 3 दिन का कार्यक्रम हूँ लेकिन उमें हूँ बर्क हूँ और बरसात मौसम हूँ तो उमें हम वह कार्यक्रम नहीं कर सकना और कभी कभी यथू बर्क आ जाएंगे वो कार्यक्रम हमें रद्द करना पड़ो लेकिन यो तुम पूछो महल में और माघ ले लागा और पूछो महल आखिरी हूँ तो मौसम भल ही रहूँ कभी कभी बर्क है कि दुहर बाद में लेकिन मौसम भल रहूँ तो यो हमारे उत्तरायणी त्यौहार तो ही लीजिए रखो कि भाई मैं सब पूर्व संस्कृति का हम दर्शन अपने लोगों के करा सकूँ लेकिन यो एक बार दुर्भाग्य छे कि जो सांस्कृतिक संध्या छे वो ये बार नहीं हो पाने तो हमारे पहाड़ों में जब ले उत्थान मंचक उत्तरायणी नाम सामने हो तो हमारे जो लोग कलाकार छे उन्होंने लीजिए एक मंच तैयार हूँ ये बार बड़ दुर्भाग्यक बात छे कि हमारे कलाकार जो यहाँ न आ पाल लेकिन यहाँ जो स्टॉल छन यहाँ आवेर उन्हें आप आनंद ले सक सा क्योंकि यह हमारे पहाड़ छे यो हमारे उत्तराखंड छे और उत्तराखंड प्रसिद्ध छे अपन संस्कृति लीजिए अपन विरासतें लीजिए अपन सभ्यता लीजिए तो आप सब लोगों को जो यह वीडियो देखना चाह आप घुगुती त्यारक बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं छे आप सबके घुगुती त्यारक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित धन्यवाद। नर्मदा भोग फ्रेश चक्की आटा स्वाद वही जो अपने